नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम एक म्यूजिक रिएक्टिव 220 वोल्ट लाइट सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस म्यूजिक रिएक्टिव 220 वोल्ट लाइट सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक म्यूजिक रिएक्टिव 220 वोल्ट लाइट सर्किट है। फ्रेंड्स, ये सर्किट 3.7 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस म्यूजिक रिएक्टिव 220 वोल्ट लाइट सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सर्किट के ऊपर की तरफ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लाइन हो गया इस सर्किट का नेगेटिव लाइन। उसके बाद दूसरा तार हमें सर्किट के नीचे की तरफ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लाइन हो गया इस सर्किट का पॉजिटिव लाइन। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक कंडेंसर माइक। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद ये दो तार हमें माइक के दो पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। और दोस्तों देखिए, ये पॉइंट जो माइक के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये है माइक का नेगेटिव पॉइंट और यह है माइक का पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें माइक को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों, माइक का जो नेगेटिव पॉइंट है, यह है नीचे की तरफ, और जो पॉजिटिव पॉइंट है, यह है ऊपर की तरफ। उसके बाद देखिए, अब हमें माइक का जो नेगेटिव पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद माइक का पॉजिटिव पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 एनएफ कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर माइक का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स देखिए, यह है इसका एमिटर पॉइंट, यह है इसका बेस पॉइंट और यह है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद देखिए, अब हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए, ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है, यह है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है, यह है इस साइड में। उसके बाद देखिए, अब हमें ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 100 एनएफ कैपेसिटर का एक पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1M और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस 10K रजिस्टर को और इस 1M रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, दोस्तों देखिए, यहां पर जो 10K रजिस्टर हमने लगाया है, अब हमें उस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 100 एनएफ कैपेसिटर का एक पॉइंट और माइक का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहां पर जो 1M रजिस्टर हमने लगाया है,
अब हमें उस रेजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर 100 इनेट कैपेसिटर का एक पॉइंट और इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद रेजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक 10K रजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्टली नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और 10K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स देखिए ये है इसका एमिटर पॉइंट, ये है इसका बेस पॉइंट और ये है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्राइक। दोस्तों देखिए ये है इसका गेट पॉइंट, ये है इसका टर्मिनल 2 पॉइंट और ये है इसका टर्मिनल 1 पॉइंट। उसके बाद देखिए अब हमें इस ट्राइक को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद देखिए अब हमें इस ट्राइक का जो टर्मिनल 1 पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद ट्राइक का गेट पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्राइक का टर्मिनल 2 पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार, ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम लोग ट्राइक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये सर्किट कॉम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक लाइट। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लाइट का कोई भी एक तार कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर ट्राइक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए सर्किट के नेगेटिव लाइन के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है
उस तार के साथ, उसके बाद दूसरा तार हमें कनेक्ट करना है लाइट के दूसरे तार के साथ। और दोस्तों ये दो तार हम लोग डायरेक्ट एसी लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तार को हमें कनेक्ट करना है न्यूट्रल लाइन के साथ और इस तार को हम लोग फेज लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रिक लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यह है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक म्यूजिक रिएक्टिव 220 वोल्ट लाइट सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।